अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्पी 9 चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है FSC सेकंड ईयर केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 9, जिसमें हमने डिस्कस करना है ऑक्साइड्स क्या होते हैं और ऑक्साइड्स की टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ऑक्साइड्स हैं क्या। ऑक्साइड्स होते हैं ऑक्सीजन जब पीरियोडिक टेबल के किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन किन किन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है? ऑक्सीजन ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम मेन ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो मेन ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बना सकते हैं। यहाँ पे अल्कली मेटल्स के साथ ऑक्साइड्स बने हुए भी देख सकते हैं आप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी ऑक्साइड्स बने हुए देख सकते हैं। अब आती है बात ये कि क्या अल्कली मेटल्स सिर्फ, अगर हम सोडियम की ही बात करें तो क्या सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सिर्फ एक ही तरह का ऑक्साइड बनाएगा या और तरह के ऑक्साइड भी बना सकता है? तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा टाइप्स के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर सल्फ़र की बात की जाए, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी होता है। तो इट मींस के पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स तो बनाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो एक से ज़्यादा टाइप्स के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम ऑक्साइड्स को दो बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हम इस बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान बॉन्डिंग कौन सी है, जबकि दूसरी हम क्लासिफिकेशन इस बेस पर कर सकते हैं कि क्या ऑक्साइड्स कौन सा करैक्टर शो करें, एस्टिक करैक्टर शो करें या बेसिक करैक्टर शो करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेंगे एस्टिक या फिर बेसिक करैक्टर की बेस पर ऑक्साइड्स की टाइप्स को। अगर हम एस्टिक और बेसिक बिहेवियर की बेस पे ऑक्साइड्स की टाइप्स की बात करें तो तीन तरह के टाइप्स हैं, कौन कौन सी, मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स होते क्या हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या होती है, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या जिनके पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें। तो हमें बताया अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं, लूज कर सकती हैं। ये जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होती हैं तो जो ऑक्साइड्स बनेंगे उन ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। इन मेटालिक ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा होता है, एस्टिक बिहेवियर होता है या बेसिक बिहेवियर होता है? ये शो करती हैं बेसिक बिहेवियर। अब आती है बात कि ये बेसिक बिहेवियर कैसे शो करती हैं। जब अल्कली मेटल, जैसे कि अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात कर लें तो सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन की जाता है, सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करवाया जाता है तो सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ अटैच होकर क्या बना देती है, बेस, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, बेसिक इन करैक्टर होती हैं। वजह क्या है कि ये जब वाटर के साथ एडिशन करवाया जाता है इनका, तो ये क्या करती हैं, बेस बना देती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2। ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, जब इसको वाटर के साथ ऐड करवाया जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज वाटर के प्रोटॉन के लिए क्या होता है, हाई एफिनिटी रखता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन वाटर के प्रोटॉन के साथ अटैच हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है वो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो उनकी नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इनमें जो पीरियोडिक टेबल की नॉन मेटल्स होती हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगी तो जो कंपाउंड बनेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स हैं कौन सी, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में, जिनमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एक्सेट्रा। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, एस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ये वाले एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं तो ये एस्टिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। क्यों एस्टिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। जैसे कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसको जब वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये क्या बना देता है, एसिड। इसके एसिड बनाने की वजह से हम ये कहते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं ये क्या करती हैं, एस्टिक करैक्टर शो करती हैं। अब एस्टिक ऑक्साइड्स होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं दोनों, एस्टिक ऑक्साइड एंड बेसिक। एस्टिक ऑक्साइड में हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड आती है एग्जांपल, जबकि अगर हम बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड की एग्जांपल आती है। तो जब एस्टिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है एम्फोटेरिक
ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करें एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह भी और बेसिक ऑक्साइड्स की तरह भी, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनमें कौन से एलिमेंट्स के ऑक्साइड आते हैं? इनमें आते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जिनमें आते हैं ब्रिलियम के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, बिस्मथ के ऑक्साइड्स एक्सेट्रा, जिंक के ऑक्साइड्स। ये क्या करते हैं? ये एसिडिक करैक्टर भी शो करते हैं और बेसिक करैक्टर भी शो करते हैं। जैसे कि अगर जिंक ऑक्साइड की बात की जाए तो जब ये एसिड के साथ कंबाइन किया जाए, जब जिंक ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अटैच के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? स्ट्रॉन्ग बेस की। जबकि अगर जिंक ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन किया जाए तो जिंक ऑक्साइड कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो एक ही कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड जो कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, कौन सी? एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करें और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स की, के मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह इनका ट्रेंड इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड में। अगर पीरियड में ऑक्साइड्स की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक्स। जैसे कि हम पीछे देख के आ चुके हैं, बेसिक करैक्टर यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड्स आना शुरू हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक, उसके बाद लीस, उसके बाद आते हैं लेस एसिडिक ऑक्साइड्स, देन स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड्स। इट मीन्स कि अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एसिडिक करैक्टर जो होगा वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट एसिडिक करैक्टर क्या होता है? इंक्रीज पीरियड में। अब अगर हम बात करें एक ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम जो होता है वो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है। तो इट मीन्स कि जो टॉप किसी एक ग्रुप में जो टॉप एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? वो एसिडिक होंगे। जैसे जैसे हम नीचे को मूव करते जाएंगे ग्रुप में तो जो बॉटम के हमारे पास ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? वो बेसिक करैक्टर शो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे एलिमेंट्स की जो एक से ज़्यादा तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनमें हमारे पास अगर हम मैगनीज की एग्जांपल ले लें तो क्या मैगनीज जब एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स बनाएगा, जैसे कि मैगनीज एक ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है, तीन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है, दो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है और सेवन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर भी ऑक्साइड्स बना सकता है, तो क्या इन सारे ऑक्साइड्स में बेसिक करैक्टर या फिर एसिडिक करैक्टर सेम होगा? जी नहीं। एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर डिपेंड करता है कि जिस कंपाउंड को हम ले रहे हैं उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की ज़्यादा होगी, अगर मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना उसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा। बिकॉज एसिडिक करैक्टर जो है एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है कैसे? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। अगर हम इन चार कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें तो मैंगनीज ऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन अटैच है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? हमें पता है ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है? -2। एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का -2। मैगनीज पे कौन सा चार्ज आएगा? मैगनीज पे आएगा +2 चार्ज, बिकॉज +2 एंड -2 दोनों को करेंगे सम, हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। हमें पता है एक कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होते हैं, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंपाउंड की कितनी होती है? 0। तो अगर ऑक्सीजन की -2 है तो मैगनीज की कितनी होगी? +2। तो इस वाले कंपाउंड की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? मैगनीज की +2। अगर हम इस कंपाउंड में बात करें, जैसे इसकी निकाली है, सेम इसी मेथड से हम इसकी भी निकाल सकते हैं, नेक्स्ट इसकी और नेक्स्ट इसकी सबकी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो है +4, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो है +7। इसकी +7 कैसे आई है? ऑक्सीजन के हैं सेवन एटम्स। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2। 7 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो गया टोटल? -14। यहाँ पे है -2, तो -14 में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास इक्वल 0 क्या है? क्योंकि हमें पता है एक कंपाउंड पर जो चार्ज ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी लेके आनी है कंपाउंड की? 0। तो ऑक्सीजन की है -14, तो -2 है। इट मीन्स कि हम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करें 14 और ऑक्सीजन का -14 +14 -14 एक दूसरे से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0। तो इट मीन्स एक मैगनीज की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +7। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 7 ऑक्सीजन लगे हुए हैं जिस मैगनीज के साथ, यहाँ पे ये एसिडिक इसका एसिडिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी।
जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की वजह से हमारे पास एसिटिक करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की वजह से हम कह रहे हैं कि एसिटिक करेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है? तो इसका आंसर यह है कि जब मैगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जैसे कि Mn2O7 में मैगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो आती है +7। +7 का क्या मतलब है? +7 का यह मतलब है कि मैगनीज के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं। तो ये एक्सेप्ट करेगा कितने लोन पेयर्स को, 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं, तो ये लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा। जब ये लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास अपने पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है ना, +7 चार्ज है इस पर, इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जिसकी वजह से ये एज अ एक्ट करेगा लिवस एसिड। जब ये लिवस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा तो इट मीन्स कि इसका एसिटिक करेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, अगर हम इस पर +7 चार्ज की बात करेंगे तो। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।